हर पिता का सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना। और जब दुल्हन के लिबास में बेटी सज धज कर सामने आती है तो हर पिता का मन भावुक हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी के साथ। दिलीप जोशी वैसे तो टीवी पर हमेशा हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी इमोशनल है। अपनी बेटी नियति को शादी के जोड़े में सजा देख दिलीप जोशी काफी इमोशनल हो गए। दोस्तों आपको बता दें, दिलीप जोशी की बेटी नियति जोशी ने हाल ही में यशोवर्धन मिश्रा के साथ शादी की है। दोनों की शादी 8 दिसंबर को नासिक में हुई, तो वहीं 11 दिसंबर को नियति और यशोवर्धन का रिसेप्शन था। अपनी बेटी की विदाई के बाद दिलीप जोशी ने उनकी शादी की कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें पोस्ट की है और एक दिल छू लेने वाला पोस्ट भी लिखा है। दिलीप जोशी ने इन तस्वीरों के साथ अपनी न्यूली मैरिड बेटी और दामाद को नए सफर की शुभकामनाएं दी है। दिलीप जोशी ने अपनी बेटी की शादी की तस्वीरों के साथ लिखा है, आप फिल्मों और गानों से एहसास उधार ले सकते हैं, मगर अपनी आंखों के सामने यह सब देखना एक अलग ही एहसास है। मैं अपनी बेटी और दामाद को उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप लोगों को भी शुक्रिया इस जोड़े को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। तस्वीरों और वीडियोस में नजर आ रहा है कि कैसे दिलीप जोशी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर सरप्राइज नजर आते हैं। वे अपनी बेटी को प्यार से चूम लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, नियति जोशी ने अपने बॉयफ्रेंड यशोवर्धन मिश्रा के साथ शादी की है। दोनों कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ते थे और वहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अपनी शादी के जोड़े में नियति बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। दरअसल शादी के दिन भी नियति अपने सफेद बालों के साथ नजर आई। कई लोगों ने दुल्हन नियति के सफेद बालों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल हमारे देश में लड़कियों की सुंदरता का पैमाना उनका गोरा रंग, लंबे बाल और पतली कमर है, लेकिन नियति ने सुंदरता के इस तय पैमाने को चुनौती दी है। नियति ने अपने शादी के सबसे खास दिन पर भी अपने बालों को रंगना ठीक नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे वो असल में है। कुछ लोगों को इनकी यह बात काफी पसंद आई और उनके कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसमें बुराइयां ढूंढने में बिजी हो गए। वहीं नियति ने अपनी शादी के लिए कोई डिजाइनर लहंगा नहीं बल्कि रेड एंड क्रीम कलर की साड़ी चूज की थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। तो दोस्तों, नियति जोशी की शादी की इन तस्वीरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।